नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और ये है बोट वॉच जेनिट जो अभी लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिल जाती है 1999 में। इसमें है 1.3 इंच आईपीएस डिस्प्ले, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, स्लीप हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन विद वाइब्रेशन अलर्ट, IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ट्रैकर, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, मतलब 7 स्पोर्ट्स मोड है इसमें, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल भी है, थिएटर मोड है और एक गेम दिया गया है इसमें, वेदर फोरकास्ट है अगले 6 दिन के लिए। तो यहाँ पे बैटरी की बात करेंगे तो इस वॉच में बैटरी है 220 mAh की, जिसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको 7 दिन तक बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, उसके बाद हम करेंगे इसका फुल सेटअप। तो दोस्तों, बॉक्स में आपको इतनी चीजें मिलने वाली है। ये है मैग्नेटिक चार्जर, लीफलेट है ये बोट का, और ये है स्क्रीन गार्ड, आपको इसमें स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये है यूजर मैनुअल, स्टिकर है और यहाँ पे वारंटी कार्ड, वारंटी किस तरह से रजिस्टर करनी है यहाँ पे नंबर दिया गया, आपको उस नंबर पे मिस कॉल करना है। और ये है वॉच, अब देखते हैं सबसे पहले वॉच को और बाद में हम जो स्क्रीन गार्ड है उसे भी इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे पीछे में हालांकि प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी जो बिल्ड क्वालिटी है सॉलिड फील होती है। यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं, दोनों बटन्स सेम वर्क करते हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि ये बैक के लिए ये होम के लिए, दोनों बटन्स का काम सेम ही है। ये स्ट्रैप है जिसे आप रिमूव भी कर सकते हो, तो रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना पड़ता है, इस तरीके से बाहर करिए, और इंसर्ट करने के लिए जो नीचे वाली पिन है उसे अलाइन करना है, बाद में इस ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में अलाइन करना है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। और यहाँ पे सेंसर से SpO2 और हार्ट रेट, और ये 24/7 है, मतलब ऑटोमेटिक हार्ट रेट इसमें इनेबल पहले से किया गया है और यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले जो स्क्रीन गार्ड है उसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस ग्लास को क्लीन करना है। ग्लास को क्लीन करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन गार्ड पे 2 स्टिकर्स होंगे, एक होगा रेड और एक होगा ब्लू। तो जो रेड है आपको रेड को निकालना है सबसे पहले इस तरीके से, रेड को निकालने के बाद और ये है इसे इस तरीके से स्टिकर की ओर पकड़ के इसे अलाइन करना है ठीक से। स्क्रीनगार्ड अप्लाई हो जाने के बाद जो ये स्टेप 2 लिखा हुआ है उस स्टिकर को आपको यहां पे खींचना है इस तरीके से, और ये यहां पे लग चुका है हमारा स्क्रीनगार्ड, और जो बबल्स अगर आपको शो हो रहे होंगे तो आपको प्रेस करके उसे इस तरीके से साइड से रिमूव करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन गार्ड अप्लाई हो चुका है, अब आपको इसे स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने से पहले आपको अपनी घड़ी को 2 घंटे के लिए चार्ज करना है, 2 घंटे के लिए फुल चार्ज करिए स्मार्ट वॉच को, उसके बाद आपको उसे स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे, कोई भी बटन पे आप प्रेस कर सकते हो, प्रेस करके रखिए और आपकी जो वॉच होगी वो स्विच ऑन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वॉच फेस को चेंज करना हुआ तो आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पे और यहाँ पे स्वाइप करना है, स्वाइप करके आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो। आपको अगर ये सेट करना है तो आपको इस पे टैप करना है, ये वाला सेट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, तो आपको अपनी वॉच को कनेक्ट करने के लिए फोन के साथ आपको फोन में प्ले स्टोर में जाकर बोट हब इस ऐप को डाउनलोड करना है, इसे ओपन कीजिए। इसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप गेट स्टार्टेड, यहां पे आपका फोन नंबर एंटर करना है और करना है कंटिन्यू। फिर इसके बाद आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी करना है एंटर यहां पे और करना है कंटिन्यू। फिर आप यहां से फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, अगर आपको इससे नहीं करना हुआ तो आप स्किप करिए और यहां पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करके साइन अप करना है आपको। प्रोफाइल बन चुका है, आपको करना है कंटिन्यू। फिर मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है, आपकी जो बर्थ डेट है वो यहाँ पे आपको ईयर, फिर यहाँ पे जो मंथ होगा सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी हाइट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे हाइट कितनी होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना वेट सिलेक्ट करना है, अलाउ करना है, स्टार्ट पेयरिंग करना है, अलाउ करना है, ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन होगा, अलाउ करना है और करना है स्टार्ट पेयरिंग, अलाउ कीजिए। और यहाँ पे सभी परमिशंस को अलाउ करनी है, ये जरूरी है कॉल के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, और वापस कीजिए स्टार्ट पेयरिंग।
फिर आपको अपनी वॉच का नाम दिखाई देगा यहां पे, बोट जेनिट, आपको इसे पेयर करना है और ये पेयर हो चुकी है और आपको यहां पे करना है अलाउ और जो बोट हब है इसे इनेबल करना है, यहां पे अलाउ करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले अपने स्मार्ट वॉच पे। फिर यहां पे ऐप बैटरी यूज ऑप्टिमाइजेशन इस पे टैप करना है और अलाउ करना है। अब यहां पे ये है होम पेज, तो यहां पे आपको सबसे पहले मिलेगा यहां पे स्टेप्स का ये ऑप्शन। स्टेप्स आप डेली वीकली मंथली इस तरीके से देख सकते हो। स्टेप्स में आपको यहां पे स्टेप्स डिस्टेंस किलोमीटर में और कैलोरी यहां पे शो होगा। आप कैलेंडर पे किसी भी तारीख पे किसी भी डेट पे जंप कर सकते हो। फिर बैक आने के बाद यहां पे होता है एनर्जी के लिए, किलो कैलोरी कितनी बर्न हुई है डेली वीकली मंथली आप यहां पे चेक कर सकते हो या फिर आप किसी भी डेट पे कैलेंडर से जंप कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो बैक आने के बाद यह है डिस्टेंस कितना कवर किया आपने और यह है कितने मिनट आप एक्टिव थे यहां पे शो होता है। इसके बाद यहां पे होता है हार्ट रेट, तो अगर आपने हार्ट रेट यहां पे मेजर किया होगा तो शो होगा डेली वीकली मंथली। आप यहां पे देख सकते हो आपके रिकॉर्ड्स और किसी भी डेट पे आप जंप कर सकते हो कैलेंडर के जरिए। बैक आने पर यहां पे होता है स्लिप डेटा, तो यहां पे आप कितने बजे सोने के लिए गए थे, कितने घंटे जागे थे, स्लिप डेटा मतलब डीप स्लिप लाइट स्लिप कितनी थी, रैम कितना था, आप यहां पे चेक कर सकते हो डेली वीकली मंथली और किसी भी डेट पे आप जंप कर सकते हो। फिर यहां पे होता है SpO2, तो आप SpO2 यहां पे यही से भी मेजर कर सकते हो। यहां पे चेक ना करोगे तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा और ये डेली वीकली मंथली आप चेक कर सकते हो, कैलेंडर पे आप जंप कर सकते हो डायरेक्टली और यहां पे आपका रिकॉर्ड होगा और यहां पे बता जाता है कि 95 से ऊपर होना चाहिए। और ये होता है वेट, आप यहां पे डेली वेट अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद यहां पे होता है एक्टिविटीज, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो अपनी वॉच में तो यहां पे शो होगी। और फिर अगर आपको ऐप की सेटिंग्स में जाना हुआ तो आपको यहां पे मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन। यहां पे आप प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, अपना नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट सब चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हुआ तो। गोल सेटअप आपको डेली कितनी कैलोरी बर्न करनी है, स्टेप्स कितने लेने हैं आपको डेली, स्लिप कितनी लेनी है, वेट कितना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये डेली आपका जो गोल है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और फिर होती है यहाँ पे वॉच की सेटिंग्स, यहाँ पे लिखा होगा बोट जेनिट, यहाँ पे परसेंट होता है बैटरी परसेंट कनेक्टेड है कि नहीं है ये शो होता है, आपको इस पे टैप करना है। और यहाँ पे होता है सबसे पहले वॉच फेसेस, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है चार होते हैं, अगर मुझे मान लो ये वाला करना हुआ, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये वाला किया है मैंने, ठीक है, अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे टैप करूंगा ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी क्विकली हो जाता है चेंज। और अगर आपको और ज्यादा वॉच फेस डाउनलोड करने हुए तो आपको यहाँ पे जाना है सीमोर में, यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइस में जो हमने देखा अभी चार, और क्लाउड में होता है जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे 80 जितने वॉच फेस होते हैं, अगर आपको यहाँ पे ये वाला करना हो तो आप इस पे टैप कीजिए, एस कीजिए और ये डाउनलोड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉच फेस यहाँ पे सिंक हो चुका है और ये वॉच फेस जो है इसकी पोजिशन भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इस पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज होगा, अब इस तरीके से चेंज हुआ है, अब इस तरीके से ये जो वॉच फेस है स्पेशली ये वॉच फेस इस तरीके से चेंज होता है टैप करने के बाद। और अगर आपको कोई खुद के फोटो सेट करने भी अपने वॉच फेस पे तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको क्रिएट कस्टम पे टैप करना है, फिर यहाँ पे जो प्लस का साइन है उस पर टैप करना है, गैलरी पे टैप कीजिए, अगर आपको मान लो ये वाली फोटो सिलेक्ट करनी है तो आप इस पर टैप कीजिए, अपने हिसाब से क्रॉप कीजिए, क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे टिक पे टैप करना है। फिर आपको जो टाइम है ऊपर शो करना है कि नीचे शो करना है, तो मैं चाहता हूं नीचे तो मैं टाइम पे टैप करूंगा यहाँ पे, और बिलो करना है तो बिलो नीचे, नीचे टाइम शो होगा। आपको कलर चेंज करना है टाइम का तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे टाइम के ऊपर में आपको क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूँ स्टेप्स, तो स्टेप्स यहाँ पे शो होंगे, और टाइम के नीचे मैं चाहता हूँ डेट शो, तो मैं डेट पे यहाँ पे टैप करूंगा, तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा शो होगा और आपको फिर करना है डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वॉच फेस है ये अप्लाई हो चुका है वॉच में, फिर आपको करना है डन। इस तरीके से आप वॉच फेस अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। बैक आने के बाद यहाँ पे फिर होता है जनरल का ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए। यहाँ पे होते हैं कुछ ऑप्शंस, तो पहला होता है कॉल रिमाइंडर, अगर आपको कॉल की नोटिफिकेशन देखनी हुई वॉच पे तो आपको इसे इनेबल ही रखना है। इसके बाद होता है 24 आवर टाइम, मतलब आपको जो टाइम है कौन से फॉर्मेट में शो करना है 24, तो आपको इसे इनेबल रखना है। अगर आपको 12 आवर में चाहिए टाइम तो आपको इसे डिसेबल करना है, टाइम यहाँ पे 12 आवर में शो होगा। फिर यहाँ पे होता है वेदर का यूनिट, अगर आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आपको इसे इनेबल ही रखना है, अगर आपको फेरनहाइट चाहिए तो आपको इसे डिसेबल करना है। वेग जेस्चर, वेग जेस्चर का मतलब होता है कि आप जब भी अपनी हथेली को उठाओगे तो आपका जो वॉच का डिस्प्ले है वो भी ऑन होगा, तो आपको इसे इनेबल रखना है अगर आप रखना चाहते हो तो। दोस्तों आप दो तरीके से अपने वॉच का डिस्प्ले जो है वेकअप कर सकते हो, आपको इस तरीके से
ऊपर करना है हथेली को इस तरीके से, और यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है ऑन हो जाता है। इसके अलावा आप बटन पे भी प्रेस करके इसे वेकअप कर सकते हो और स्लिप भी कर सकते हो, और इस बटन से भी सेम तरीका वही है, दोनों बटन सेम तरीके से वर्क करती है। फिर यहाँ पे होता है डू नॉट डिस्टर्ब का मोड। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब बताया कि अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपके वॉच में कोई भी वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो आपको पहले टाइम सेट करना पड़ता है यहाँ पे कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम के बीच में ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन होना चाहिए, आपको टाइम यहाँ पे सेट करना पड़ता है और इसे इनेबल करना पड़ता है। बैक आने के बाद यहाँ पे होता है अलार्म का ऑप्शन, आपको यहाँ पे टाइम सेट करना पड़ता है पहले। टाइम सेट करने के बाद आपको यहाँ पे टैप करके जो डे है वो भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको सभी डे के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे टैप करना है रिपीट पे, सभी डेज पे रिपीट होगा और आपको इसे ऑन करना है। यहाँ पे इस तरीके से आप 3 अलार्म को सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे होता है अलर्ट्स का ऑप्शन, ये होता है सेडेंटरी रिमाइंडर। इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, तो आपको इसे ऑन करना है। मतलब हर एक 1 घंटे के दौरान अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो, और आप इसे रिसेट भी कर सकते हो। बैक आने पर यहाँ पे होता है ऐप नोटिफिकेशन, और यहाँ पे कौन कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आपको देखनी है अपने वॉच पे, आपको उन ऐप्स को यहाँ पे इनेबल करना है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी ऐप डाउनलोड करोगे सभी ऐप यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको जो जो ऐप चाहिए आप उन ऐप्स को यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप जो चाहते हो उतने ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरह से यहाँ पे शो होगा आपकी वॉच पे। तो दोस्तों इस तरीके से कॉल शो होता है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। फिर यहाँ पे कट कर सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो कॉल को, आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो। म्यूट आप कर सकते हो अपनी वॉच के लिए, मतलब फोन से म्यूट नहीं होगा। अगर आप स्पीड आप करोगे तो म्यूट यहाँ पे होगा, लेकिन फोन में जो रिंग है वो बजती रहेगी। दोस्तों आप देखते हैं अगर आपको कोई भी मैसेज आता है या SMS आता है तो किस तरह से शो होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वॉच आपकी डिस्प्ले हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे कौन से ऐप से आया है उसका आइकन, कौन से कॉन्टैक्ट से आया है उसका नाम, और यहाँ पे आपको मिलता है अगर आपने मिस कर दी देखना तो आपको ऊपर में स्वाइप अप करना है इस तरीके से, और ये रहा ये मैसेज, आपको इस पे टैप करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेज रीड कर सकते हो, और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट और जो इमोजी है सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके से अपने मैसेज को रीड कर सकते हो। और आप एक साथ यहाँ पे अपने 5 मैसेज को देख सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं देख सकते। अगर आपको उन्हें क्लियर करना हुआ तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल कर सकते हो इस तरीके से। बैक आने के बाद यहाँ पे होता है वुमन हेल्थ केयर, अगर आप एक लेडीज हो तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हो। फिर मेंस्ट्रुअल लेंथ कितना है, कितने दिन का है, इसके बाद यहाँ पे पीरियड लेंथ कितना है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कितनी थी, रिमाइंडर मोड आप 4 तरीके से यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होता है फाइंड वॉच का ऑप्शन, अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच वाइब्रेट होगी और डिस्प्ले जो होगा ऑन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो जो वॉच है वाइब्रेट हो रही है और डिस्प्ले इसका ऑन हो चुका है, और इसे ऑफ करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके जो ये मोड होगा फाइंड मोड ये ऑफ हो जाएगा। ओके कीजिए। फिर होता है टेक पिक्चर, आप यहां से पिक्चर क्लिक कर सकते हो अपनी वॉच में से व्हाइल यूजिंग दी ऐप कीजिए। फिर आपको यहां पे टैप करना है, पिक्चर क्लिक हो जाती है, आप यहां पे देख सकते हो, और यहां पे आप कैमरा भी रोटेट कर सकते हो और फ्लैश को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहां से पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। बैक आने के बाद यहां पे होता है डिस्कनेक्ट वॉच, अगर आपको वॉच को डिस्कनेक्ट करना हुआ तो यहां से कर सकते हो। फिर होता है रिसेट वॉच, तो आप रिसेट भी कर सकते हो। और अबाउट वॉच में जाकर आप अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, अभी कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। और फिर यहां से आप अनबाइंड या फिर अनपेयर भी कर सकते हो। तो इतनी सेटिंग्स आपको मिल जाती है ऐप में। अब हम देखेंगे वॉच में आपको कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स मिल जाती है। दोस्तों वॉच में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करने के लिए आपको स्वाइप डाउन करना है, यहाँ पे आप जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला होता है थिएटर मोड। थिएटर मोड अगर आप ऑन करते हो तो जो ब्राइटनेस होगी सबसे कम हो जाएगी और वाइब्रेशन भी ऑफ हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेशन ऑफ हो चुके हैं और जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो चुकी है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे होता है ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप यहाँ पे ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल तक। ये होता है वाइब्रेशन के लिए, आप यहां से वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये होता है वेदर के लिए, वेदर कितना है अभी रिसेंटली यहां पे शो होता है, इस पर टैप करने के बाद यहां पे रिसेंटली कितना है, फिर मिनिमम मैक्सिमम कितना है, और अगले 6 दिन का आप यहां पे जो वेदर फोरकास्ट है देख सकते हो। और बैक जाने के लिए आप इस तरीके से स्वाइप कर सकते हो, या फिर आपको बैक जाना हो तो आप इस बटन पे भी प्रेस कर सकते हो, इस तरीके से आप बैक जा सकते हो, या फिर आप इस बटन से भी बैक जा सकते हो। दोनों बटन एक जैसे ही काम करते हैं,
इसके बाद होता है यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन और यहाँ पे डेट और बैटरी लेवल शो होती है। सेटिंग्स में आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे होता है सबसे पहला ऑप्शन स्टॉपवॉच का, आप यहाँ पे स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे लैप का ऑप्शन नहीं होता है, रिसेट करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना है रिसेट के लिए और बैक करने के लिए। फिर होता है अलार्म का ऑप्शन, यहाँ पे आप अलार्म देख सकते हो, आपने ऐप में कौन कौन से अलार्म सेट किए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे होता है टाइमर का ऑप्शन, आप यहाँ पे एक मिनट से लेकर 2 घंटे तक का जो टाइमर है सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होता है ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप ब्राइटनेस यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस प्लस के साइन पर टैप करने के बाद बैक आने के लिए इस पे प्रेस कीजिए। फिर ब्राइटनेस के नीचे होता है बज का ऑप्शन, बज मतलब वाइब्रेशन, आप यहाँ से भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और फिर होता है यहाँ पे थिएटर मोड जो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे आप अपनी वॉच को रिसेट कर सकते हो और पावर ऑफ भी कर सकते हो। पावर ऑफ करने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है बटन पे, किसी भी बटन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा पावर ऑफ का ऑप्शन, टिक पे टैप कीजिए और यहाँ पे जो वॉच होगी स्विच ऑफ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो यहाँ पे होता है स्टेप्स का ऑप्शन, आप स्टेप्स कितने चले हो यहाँ पे शो होता है टाइम के हिसाब से। फिर यहाँ पे होता है स्लीप डेटा, कितने घंटे आप सोए थे और डीप स्लीप लाइट स्लीप कितनी थी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हार्ट रेट आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। फिर होता है यहाँ पे एक्सरसाइज का ऑप्शन, आप यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्ले के बटन पे टैप करना है और वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, यहाँ पे 7 जो स्पोर्ट्स मोड है यहाँ पे शो होते हैं। अगर आपको रनिंग करना है तो रनिंग पे टैप कीजिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम हुआ है रनिंग के लिए, कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, किलो कैलोरी कितनी एनर्जी बर्न हुई है और जो बीपीएम है आपका वो भी चेक होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है स्टॉप पॉज करने का ऑप्शन, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो इस तरीके से या फिर आप इस बटन पे प्रेस करके भी स्टॉप कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद होता है यहाँ पे SPO2, आप यहाँ पे टैप कीजिए और SPO2 मेजर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है वेदर का ऑप्शन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे होता है शटर का ऑप्शन, जैसे आप इस पे टैप करोगे कैमरा ओपन होगा और यहाँ पे टैप करके आप फोटो को क्लिक कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपने ऐप को ओपन ही रखा है और ऐसे में आप यहाँ से पिक्चर क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक नहीं होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर यहाँ पे क्लिक नहीं होती है, इसलिए आपको उस ऐप को ओपन करके रखना पड़ेगा, बाद में आप जो फोटो है वो क्लिक कर सकते हो। इसके बाद होता है यहाँ पे प्लेयर का ऑप्शन, म्यूजिक आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, आपको यहाँ पे टैप करना है म्यूजिक प्ले हो जाएगा। अगर म्यूजिक प्ले नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपका जो म्यूजिक प्लेयर है उसे ओपन करना है आपको, फिर आपको प्ले करके पॉज करना है, वापस उसे क्लोज करके फिर यहाँ पे प्ले करना है, फिर ये प्ले होगा, नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। और फिर अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखनी हुई, कोई भी मैसेज अगर आपको देखने हुए तो आपको स्वाइप अप करना है, यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन शो होंगे। और फिर स्वाइप राइट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ ऑप्शन जैसे स्टेप्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट, ट्रेनिंग, SPO2, वेदर, शटर, प्लेयर, सेटिंग्स और यहाँ पे होता है एक गेम, ये है यंग बर्ड, आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पे एक गेम दिया गया है टाइम पास करने के लिए, आप यहाँ पे प्ले कीजिए और इस बर्ड को जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं सामने उससे आपको टकराना नहीं है और आपको टैप करना है स्क्रीन पे, टैप करिए, टैप करने पर जो बर्ड होगा वो ऊपर ऊपर फ्लाई करता रहेगा इस तरीके से। दोस्तों ये थी चीजें जो आपको वॉच में देखने मिलती है और ये था इसका कंप्लीट सेटअप गाइड। मेरे हिसाब से 1999 में ये वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन 2 फीचर्स इसमें मिसिंग है जो होने चाहिए थे। एक तो आप यहाँ पे जो टाइमर है मतलब स्क्रीन टाइम आउट मतलब कितने देर के लिए जो स्क्रीन है वो ऑन रहनी चाहिए, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो फाइंड माई डिवाइस है मतलब आप अपनी वॉच से अपने फोन को फाइंड कर सकते हो, रिंग कर सकते हो, वो भी ऑप्शन इसमें नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है, एक अच्छी वॉच है 1999 में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।